सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी जो है मैं आ चुका हूँ छत पे। और आप सभी को याद होगा कल शाम के टाइम पे हम लोगों ने अपने कुछ कबूतरों को उड़ाया था और उसमें जो है हमारे कुछ नए कबूतर भी थे, जिसमें से एक हमारा छापा कबूतर निकल गया था। कल शाम के टाइम पे रिटर्न नहीं आया था, तो मैं जो है आया था ऊपर कि भाई चेक कर लेता हूँ, क्या पता सुबह के टाइम पे आ गया हो। बट गाइस कबूतर जो है अभी तक नहीं आया है, ये देखो। और गाइस अभी जो है ठंडी का सीज़न चल रहा है, तो मैं जो है शाम को अपने कबूतर दाना पानी कर लेते हैं, उसके बाद जोड़े वाले कबूतरों को पेटी में बंद कर देता हूँ एंड जो अपने सिंगल कबूतर है वो जो है इसके अंदर चले जाते हैं और पेटी ओटी सबको अच्छे से कवर कर देता हूँ। लेकिन जो हमारे सिंगल कबूतरों का घर है इसका दरवाज़ा खुला रहता है, क्योंकि शाम के टाइम पर दाना पानी करने के बाद ये जो है खुद के खुद हो जाते हैं अंदर, और जैसे ही सुबह होता है ये लोग जो है बाहर भी आ जाते हैं, इसीलिए जो है मैं इसका दरवाज़ा बंद नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे कबूतर अपने बाहर आके बैठे हुए हैं और अभी भी बहुत सारे कबूतर जो हैं कबूतर अपने घर के अंदर ही हैं, ये चेक करो, ठीक है। और गाइस अभी जो है पेटी का कवर फोल्ड करके मैंने रख दिया है ऊपर, क्योंकि अभी जो है थोड़ा थोड़ा धूप भी आना स्टार्ट हो गया है, तो अपने कबूतरों को धूप ऊप भी लगता रहेगा। एंड गाइस आप में से कुछ लोगों का ऐसा भी कमेंट्स आया था कि अभी जो है वो कबूतर नहीं आएगा, जिसका होगा उसके पास वो रिटर्न चला गया होगा। आपकी बात जो है बिल्कुल सही है, कई बार ऐसा होता है कि किसी का पुराना कबूतर हमारे पास उतर जाता है गलती से एंड जब हम उसे दोबारा उड़ाते हैं तो कबूतर जो है फिर से अपने घर पर निकल जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम अपने नए कबूतर उड़ाते हैं तो वो जो है इधर उधर भटकने लगता है और जब उसे अपना घर मिल जाता है तो दोबारा वापस आ जाता है। तो गाइस मुझे नहीं पता कि वो कबूतर रिटर्न आएगा या फिर वो अपने पुरानी जगह पे जा चुका है। जो भी हुआ है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसको आना होगा तो आ भी जाएगा, नहीं आना होगा तो कोई बात नहीं। वैसे अभी तक तो वो कबूतर नहीं आया है। जो है गाइस पूरा फुल वाइट में हमारे पास फेंटेल में मेल है, और आपको पता होगा हम लोगों ने इसके साथ में ही फीमेल भी लाया था जो पूरी फुल वाइट में थी, बट वो जो है बेचारी एक्सपायर हो गई थी। एक और हम लोग फीमेल लेके आए थे अमेरिकन फेंटेल में, उसको भी कुछ दिक्कत हो गया था, अचानक से एक्सपायर हो गई थी। तो गाइस काफ़ी टाइम से जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल में फेंटेल मेल पड़ा हुआ है, ये देखो। तो आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि भाई ये फेंटेल मेल के लिए जल्दी से जो है आप फेंटेल में फीमेल लेके आओ, तो अभी जो है मैं इसके लिए सोच रहा हूँ कि फेंटेल में मैं एक फीमेल लेके आता हूँ। बट गाइस मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि इसके लिए मैं कौन से कलर में फेंटेल में फीमेल लेके आऊँ, पूरी फुल व्हाइट में ऐसे ही लेके आऊँ या फिर पूरी फुल ब्लैक में लेके आऊँ या फिर किसी और कलर में। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि हम लोगों को इसके लिए कैसी फेंटेल में फीमेल लेके आना चाहिए, ठीक है। लेकिन गाइस अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने पास पूरा फुल व्हाइट में मेल है तो क्यों ना इसके लिए हम लोग पूरी फुल ब्लैक में फेंटेल में अगर फीमेल मिलती है तो वो लेके आए। तो जैसा भी है आप लोग कमेंट्स में बता देना, वैसा ही हम लोग करेंगे। तो देखिए नीचे अभी क्या सीन चल रहा है, बच्चे निकले या फिर अंडे? अभी तो भाई अंडे ही दिख रहे हैं मेरे को, दोनों अंडे है ना? हाँ भाई दोनों ही अंडे हैं अभी, और इसके नीचे तो बच्चा निकल चुका है, ये देखो। ये जो है हमारे काटवे कबूतर की जोड़ी है, इनके नीचे एक बच्चा निकल चुका है और जो एक अंडा था वो हो चुका था खराब। और इनके नीचे क्या है भाई, इनके नीचे भी अभी अंडा है और यहाँ पे भी कबूतरों ने अंडा आ चुका है। तो चलो काफ़ी अच्छा है, ब्रीडिंग प्रोग्रेस तो काफ़ी सही चल रहा है। और गाइस ब्रीडिंग प्रोग्रेस से मुझे याद आया कि हम लोगों को ब्रीडिंग प्रोग्रेस का वीडियो बनाए हुए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन बीच बीच में जो है मैं कुछ कुछ पट्ठों का आप लोगों को शौक कराते रहता हूँ, जैसे कि एक यहाँ पे कमग्गर का बच्चा बैठा हुआ है और भी जो पट्ठे निकलते हैं उनका मैं बीच बीच में शौक कराते रहता हूँ, इसलिए इतना टाइम हो गया ब्रीडिंग प्रोग्रेस की वीडियो बनाए हुए। बट इस टाइम पर कुछ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका शौक आप लोगों ने अभी तक नहीं किया हुआ है, जितने भी पट्ठे हैं उनका मैं अच्छे तरीके से शौक करा दूंगा। जो जो पट्ठे का शौक आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है उनका भी शौक मैं अच्छे तरीके से करा दूंगा। तो अभी फिलहाल मैं अपने कबूतरों को कुछ टाइम तक ऐसे ही धूप में बैठे रहने देते हैं, क्योंकि भाई ठंडी का सीजन है, कबूतर धूप उप ले रहे हैं तो अच्छी बात है। और थोड़े टाइम के बाद आके मैं ये लोग को ट्रे के अंदर डाल दूंगा दाना और शाम के टाइम पे अपने सभी कबूतरों को हम लोग निकालेंगे बाहर। तो गाइस अभी जो है टाइम हो चुका है अपने कबूतरों को बाहर निकालने का, तो अभी जो है अपने सभी कबूतरों को हम लोग निकालते हैं बाहर। चलो भाई आ जाओ। अभी जो है शाम का टाइम है एंड जस्ट अभी अभी मैंने अपने कबूतरों को बाहर निकाला है और अभी जो है गाइस एक नीलम कनाक में कबूतर जो है आके हमारे छत पे बैठ गया और अभी इन लोग को मैंने रोटी डाला है, बट रोटी खत्म होने वाला है अभी, तो फिलहाल मैं अपने कबूतरों के साथ में वो रोटी खा रहा है, ये देखो ये रहा। गाइस हमारे पास में नीलम कनाक में एक भी कबूतर नहीं है, बट ये किसी और का कबूतर आके बैठ गया है। सो गाइस अभी जो है मैं जल्दी से चलता हूँ नीचे एंड दाना लेके आता हूँ और उसके बाद आप लोगों के सामने ही ये कबूतर को पकड़ने का ट्राई भी करेंगे। यहाँ से लेता हूँ भाई सबसे पहले मैं दाना। सो गाइस ये चेक करो, आओ आओ आओ, एक तो भाई अपने कबूतर देखो फिर से जो है वही हरकत, चलाओ आओ ले ले आओ ले आओ आओ। सो गाइस अभी जो है कबूतर ऊपर जाके बैठ गया, ले आओ 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 आओ। अभी गाइस आ चुका है नीचे, ये रहा। और गाइस इस टाइम पे क्या है कि कबूतर थोड़े अपने डर भी रहे
तो बार बार भाई भड़क जाते हैं। तो अभी ज़्यादा देरी नहीं करता हूँ, अभी ये जो कबूतर आया है ये भी जो है खाने में बिजी है, इसको हम लोग जल्दी से पकड़ते हैं, ठीक है। कबूतर बहुत चालू है। और गाइस कबूतर जो है काफी ज्यादा तेज है, यहाँ पे मैं पास में दाना डाल रहा था कि कबूतर आ जाएगा और मैं जो है इसको बड़े आराम से पकड़ लूंगा, बट ये जो है ये दीवार पे जाके बैठ गया। चलो इसके पास में दाना डाल के उतारते हैं पहले। काफी तेज है कबूतर का ये। ये देखो भाई, और ये जो है भुटकना भी स्टार्ट कर दिया है। ऊपर ही होगा। आ गया आ गया आ गया। तो गाइस अभी जो है मैंने ये कबूतर को पकड़ लिया है, और दिक्कत इसलिए हो रहा था क्योंकि बीच बीच में अपने कबूतर जो है भड़क भी रहे थे भाई, और कबूतर जब भड़क रहे थे तो थोड़ा इसको पकड़ने में मेरे को दिक्कत हो रहा था। बट गाइस अभी जो है मैंने इसको बड़े ही आराम से पकड़ लिया है। ये जो है भाई नीलम कनाक कबूतर है, ये है इसके पर, ये चेक करो, ये रहे इसके पर, और ये है भाई इसके पंजे। गाइस ये चेक करो इसकी आईज, ये रहा भाई। गाइस कबूतर तो काफ़ी ज़्यादा शानदार दिख रहा है, ये देखो भाई काफ़ी प्यारा हरा कबूतर है नीलम में, हमारे इधर जो है नीलम बोला जाता है, कहीं कहीं पे इसको हरा कबूतर भी बोला जाता है, ठीक है। और मकवई आँख में है, बहुत ही प्यारा है भाई। सो गाइस अभी जो है ये कबूतर को पकड़ लिया है, अभी इसका पर बांधते हैं। पकड़ तो भाई, बांध तो छोटू पर इसका। और यहाँ पे जो है अपने सभी कबूतर आराम से घूम फिर रहे हैं। तो गाइस अभी जो है हम लोगों ने ये नीलम कबूतर का दोनों साइड का पर बांध दिया है और छोड़ भी दिया है। ये देखो भाई, जब इसका पर नहीं बांधा हुआ था तब जो है भाई जाल में नहीं जा रहा था, और जैसे ही पर बांध के छोड़ा खुद का खुद जो है जाल के अंदर चला गया। तो गाइस अभी जो है मैंने कबूतर को पकड़ के उसका पर और बांध के उसको छोड़ दिया है छत पे, वो जो है अभी थोड़े ही टाइम में दाना पानी करके अपने सभी कबूतरों के साथ में हो जाएगा अंदर। तो गाइस अभी के लिए फिलहाल में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, कबूतर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ठोक देना, चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं फिर से और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।